क्लास टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रीवियस ईयर मेंस और नीट पेपर्स विच आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द टॉर्क अप्लाइड ऑन अ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट फोकस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑफ जेई मेन 2017 एंड जस्ट वी लेट वी गो थ्रू द न्यूमेरिकल एंड दिस न्यूमेरिकल इज आस्किंग An electric dipole has a fixed dipole moment P, right? Which makes angle theta with respect to x-axis. When subjected to an electric field E1, which is given by the magnitude E and direction is x-axis, along x-axis, through which is represented through this I-cap. So this field is having magnitude E and direction along x-axis. So when dipole is placed along this electric field at some angle theta, it experiences a torque. That torque is having magnitude tau and its direction is along plus z axis. When subjected to another electric field whose magnitude is given by root 3e and direction plus y direction, then it experiences a torque tau 2, which is minus torque 1. What does it mean? That magnitude of the torques are equal, just the direction of the two torques are reversed. So the dipole is placed in two different electric fields, but its direction is continuously at an angle theta from x-axis. And its dipole moment is fixed. And the question is, find angle theta if in the two fields it is experiencing same torque but the direction of the torques is opposite, right? And these are the options. So let us solve it. According to given data, see, electric field is along x-axis, ye rahi. डाइपोल इससे थीटा एंगल पर है तो निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर और डाइपोल मोमेंट का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा. ध्यान से ये जो डायग्राम है उसको देख लो कि हमको वो क्या कह रहे हैं. ठीक, दूसरे केस में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस. डाइपोल को उन्होंने टच नहीं किया है, वो अभी भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है और डाइपोल मोमेंट पी है. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो थीटा एंगल अब इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं है, अब 90 माइनस थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है. ठीक, ये डिफरेंस हो गया. और साथ में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है. तो पहले हम इसके बेसिस पर सवाल कर लेते, फिर हम ये देख लेंगे कि एक्चुअली ये अगर वो ना भी देते, मैग्नीट्यूड सेम है पर हाँ जिस तरीके से फील्ड ओरिएंटेड है टॉर्क के डायरेक्शन को तो ऑपोजिट होना ही था. खैर अभी हम क्या करते हैं, टॉर्क वन और टॉर्क टू दोनों का फॉर्मूला लिख लो चुपचाप, कुछ प्रॉब्लम नहीं. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई. तो देखो टॉर्क वन है, पी तो बदल नहीं रहा है, पी E1 साइन थीटा. टॉर्क 2 है पी E2 कॉस थीटा. क्यों कॉस थीटा, क्योंकि पी E2 साइन 90 माइनस थीटा लिखना होगा और वो कॉस थीटा हो जाएगा. तो हमने क्या किया, दोनों टॉर्क्स के फॉर्मूले चुपचाप लिख लिए मैग्नीट्यूड के. ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे अभी, मैग्नीट्यूड के. उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दोनों टॉर्क्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो हमने कहा ठीक है इक्वल है. अगर दोनों को इक्वेट कर दो तब भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर तुम वन और टू को डिवाइड कर दो, बात एक ही है, इक्वेट कर दोगे तो भी पी कैंसिल हो जाएगा और E1 साइन थीटा इक्वल टू E2 कॉस थीटा आ जाएगा. और उसके बाद आप टेन थीटा इक्वल टू E2 अपॉन E1 कर सकते हैं. अगर आप इक्वेट कर देंगे तो पी E1 साइन थीटा विल बी इक्वल टू पी E2 कॉस थीटा हो जाएगा.
ठीक है ना, ये जो कंडीशन उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग इक्वेट कर दिया, पी चला गया, तो इससे मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और वो इक्वल टू हो गया ई टू अपॉन ई वन। ई टू का मैग्नीट्यूड है रूट थ्री ई और ई वन का मैग्नीट्यूड है ई, कैंसिल कर दिया, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री आ गया, रूट थ्री का मतलब थीटा 60। ठीक, सिंपल बात है ये, तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूला लिखा, दोनों को इक्वेट कर दिया, टेन थीटा इक्वल टू 60 आ गया। लेकिन बस यहाँ पर एक बात जो मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में रहे और आप खुद भी समझ पाओ, देखो यहाँ पर डाइपोल को, जो डाइपोल है उसको जो फोर्सेस हैं, है ना, फोर्स को ध्यान से देखो किधर लग रही है, देखो जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस जगह पर देखो जरा, और यहाँ पर देखो, ये ऊपर की ओर और इस पर फोर्स नीचे की ओर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस जगह पे डाइपोल क्लॉकवाइज घूमेगा और इस जगह पर जिस तरीके से वो रखा है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड पाम रूल या थंब रूल से। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट किसी कपल किसी टॉर्क की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में होती है, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप अपने हाथ को ऐसे रखोगे, तब आप जब अपने हाथ को इस तरीके से कर्ल करोगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क घुमा रहा है, तो थंब कहाँ है, पेपर पर परपेंडिकुलर नीचे की ओर। तो क्लॉकवाइज घूमते समय टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की ओर, पेपर पे परपेंडिकुलर। एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर टू द पेपर। बस ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2019। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम एंड दीज आर द ऑप्शंस। इसको हम कैसे मॉडिफाई करके देखेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने तुमको कहा कि ये तीन चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पर हैं, तो हम क्या करेंगे, और डाइपोल मूवमेंट पूछा है, तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमको निगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू के कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा अगर माइनस टू क्यू को हम अलग अलग इस तरीके से लिख दें, तो एक माइनस एक प्लस क्यू और माइनस क्यू का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा। तो इस सिस्टम में दो डाइपोल्स छिपे हुए हैं, दोनों डाइपोल्स की डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। अब क्योंकि ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से 60 डिग्री है, तो दोनों डाइपोल मूवमेंट्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री। डाइपोल मूवमेंट्स इक्वल हैं क्योंकि चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इन दोनों डाइपोल मूवमेंट्स का, जो कि ये इस तरह से ओरिएंटेड है 60 डिग्री पे, सिंपली रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट इज अंडर रूट फर्स्ट फोर्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फोर्स वेक्टर स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। दोनों डाइपोल मूवमेंट्स इक्वल है तो बस वैल्यूज रखते चले गए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद कर लो, रिकॉल करो, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट होगा फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुमको ये मिलेगा यहाँ पर देखो, और इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा टू, क्योंकि थीटा 60 है, तो
थ्री पी स्क्वायर यानी पी रूट थ्री, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा पी रूट थ्री। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इसकी होगी, देखो डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दोनों डाइपोल मोमेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। इस डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, इसे भी रिजॉल्व किया एक्स और वाई के अलोंग। क्योंकि डाइपोल मोमेंट्स इक्वल हैं तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि यही कंपोनेंट रिजल्टेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब तुम देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है प्लस वाई एक्सिस, तो नीचे की ओर जाती ये जो लाइन है ये निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक। तो हमने कहा कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन निगेटिव वाई डायरेक्शन होगी, तो आंसर होगा रूट थ्री पी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग निगेटिव डायरेक्शन। ये तो हुआ प्रॉपर मेथड, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें, अगर हम ऑप्शंस पर फोकस करें तो हमें एक शॉर्टकट मिलेगा। देखो हम सबसे पहले ये डाइपोल सिस्टम में ढूंढ लें, सबसे पहला काम क्या है, पहले तो हमें डाइपोल ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो डाइपोल मूवमेंट्स पता चलेंगे। तो ये डाइपोल मूवमेंट्स हम ढूंढ लें, डाइपोल ढूंढे तो डाइपोल मूवमेंट्स मिल गए। उसके बाद बजाय ये सॉल्यूशन करने के हम पहले डायरेक्शन पर फोकस करें, क्यों, क्योंकि हमने जब ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शंस में देखो ये प्लस जे और ये माइनस जे, ठीक है, ये जे माइनस आई और ये आई प्लस जे, यानी डायरेक्शंस चारों के अलग अलग हैं। अगर हम डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पहले ही स्टेप में निकाल ले तो हमको इनमें से एक ऑप्शन आइसोलेट करने में सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि चारों की डायरेक्शन अलग अलग है। कोई दो सेम डायरेक्शन रख रहे होते तब फिर हमको पूरा सॉल्व करना मजबूरी होती, लेकिन यहाँ पर सब चारों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन पर फोकस किया, पहले हमने डाइपोल्स ढूंढे, डाइपोल्स ढूंढने के बाद डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाए और फिर हमने डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व किया और हमने देखा कि माइनस जे डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ रहा है। तो फिर हमने ढूंढा कि क्या ऐसा है कोई जिसमें सिर्फ माइनस जे डायरेक्शन हो, तो देखो और किसी में नहीं है, सिर्फ इसमें माइनस जे डायरेक्शन है। तो हम अगर टिक करने के ऑप्शंस हैं हमारे पास तो हम सेफली इसे टिक कर सकते हैं, हम पूरा सॉल्व ना भी करें तो हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते। तो कुछ क्वेश्चंस में ये हमको फैसिलिटी दी जाती है जानबूझकर कि हम कोई ट्रिक यूज़ करें और थोड़ा सा टाइम सेव कर लें। तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना और उनमें एक पैटर्न ढूंढ कर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को अप्रोच करना, ये भी एक अच्छी टेक्निक और प्रैक्टिस है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्यू विद सेपरेशन डी, द चार्जेस हैव सेम मास एम। अब यहाँ पे चार्ज के मास को इंक्लूड कर रहे हैं। देखो इट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इफ इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाय एंड द फोर ऑप्शंस आर गिवन यू। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर रखा है, चार्जेस के अलावा उनका मास भी यहाँ पर रेफरेंस में दिया है और कह रहे हैं कि अगर उसको हल्का सा इक्विलिब्रियम सिचुएशन से, क्या है इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, उससे हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़े तो वो ऑसिलेट करने लगता है, एंगुलर ऑसिलेशंस। तो एंगुलर ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है और चार ऑप्शंस दिए हैं, चलो सॉल्व करते, बहुत आसान है। अब देखो ये जो डाइपोल है
इसका डाइपोल मूमेंट तुम्हें पता है कि निगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है, तो डाइपोल मूमेंट जब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो डाइपोल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर उसको आपने स्लाइटली बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे के छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो फील्ड की डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट लग रहा है, और ये एक कपल फॉर्म करेगा जो कि इसको फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये फोर्स वेक्टर उधर ही लगा दिया, निगेटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो फोर्स वेक्टर उधर ही लगा दे अगर हम, तो देखो ये क्लॉकवाइज घुमाकर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश हो रही है। तो ये टॉर्क इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, इस प्रोसेस में इस डाइपोल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रुक नहीं पाएगा और इस डायरेक्शन में क्रॉस कर जाएगा इक्विलिब्रियम को और इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा, और तब इस पर फिर से जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन तो नहीं बदली लेकिन अब टॉर्क की डायरेक्शन बदल गई। देखो, सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे हैं जिधर लग रहे हैं, लेकिन अब रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन अब सवाल को करने का तरीका, क्लास 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था बिल्कुल वैसा, वो फोर्स ढूंढो जो ऑसिलेशन करा रहा है, यहाँ पर क्योंकि एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है तो वो टॉर्क ढूंढो जो ऑसिलेशन करा रहा है, और हमें पता है कि टॉर्क तो यही लग रहा है ना, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क लग रहा है ना, डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लगता है वही लग रहा है ना, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क ढूंढ लिया पी ई साइन थीटा, और टॉर्क होता है आई एल्फा, जैसे फोर्स होता है जो SHM कराता है वो होता है एम इंटू ए, उसी तरह से टॉर्क का फॉर्मूला आई एल्फा होता है, हम लोगों ने रोटेशन में पढ़ा है। तो आई क्या है, देखो दो मासेस डी डिस्टेंस पर, तो आई क्या होगा, दो मासेस डी डिस्टेंस पर अगर हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी डी बाई टू, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी डी बाई टू। तो इस पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट से मास इंटू डी बाई टू स्क्वायर, मास इंटू डी बाई टू स्क्वायर। तो डाइपोल मोमेंट को यहाँ अलग से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, देखो कि मास इंटू पॉइंट ऑफ रोटेशन से आर स्क्वायर प्लस मास इंटू पॉइंट ऑफ रोटेशन से आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू एम डी स्क्वायर बाई फोर, मतलब एम डी स्क्वायर बाई टू। तो आई की वैल्यू तो ये हो गई, अब आई की इस वैल्यू को उठाकर आई की जगह रख दिया, ठीक है। अब याद करो, एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग SHM करते थे तो हम एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर, एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन को निकालते थे और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर रख देते थे, तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कंपेयर करने पर मिलती थी। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में आप माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे एल्फा के उस एक्सप्रेशन को जो आपको न्यूमेरिकल में मिल रहा है, तो न्यूमेरिकल में हमको अल्फा का ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और अगर आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख दो तो आपका एक्सप्रेशन अल्फा का ये आ जाएगा पी ई टू अपॉन एम डी स्क्वायर और साथ में थीटा। अब इसको हमें, इस एक्सप्रेशन को हमको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तुमने देखा कि अगर हम थीटा इसको ऐसे घुमाएं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज दें तो टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया तो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी टॉर्क की डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है
और यही SHM की कंडीशन भी होती है। तो यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कि इस माइनस साइन से रिप्रेजेंट होती है। तो ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है इन दोनों को कंपेयर करके। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2PE/MD2। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2PE/MD2। अब क्योंकि ऑप्शन पी में नहीं दिया है, क्यू में दिया है, तो हमने पी को चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इससे रिप्लेस किया, तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया विच इज़ ऑप्शन सी इन द क्वेश्चन।